गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे गणित की छठी प्रश्नावली त्रिकोणमिति। देखो इसमें क्या होगा कि त्रिकोणमिति सबसे पहला शब्द आता है त्रिकोणमिति, इसका मतलब क्या है? इसमें देखो दो शब्द से मिलकर बना है, ये अपना पहला क्या हो गया त्रिकोण, ये हो गया अपना त्रिकोण, और ये दूसरा शब्द आ गया अपना मिति। अब इसमें क्या एक त्रिकोण से आप क्या समझते हो, त्रि का मतलब हो गया तीन और कोण का होते हैं पता ही है कोण, तीन कोण वाली आकृति जो होगी वो क्या होगी त्रिकोण होगी, जिसमें त्रिभुज आ सकता है, त्रिभुज को त्रिकोण भी कहते हैं। अब एक बात करते हैं मिति की, मिति से आप क्या समझते हो, मिति का अर्थ है मापन, ये हो गया अपना मापन और ये त्रिकोण। कहने का मतलब है त्रिकोण मिति से अपन यह समझते हैं कि त्रिकोणों का मापन करना वो किससे होगा, त्रिकोण मिति से होगा। अब देखो एक अपने पास समकोण त्रिभुज है ए बी सी, अब 90 डिग्री जिन जिन भुजाओं से बना हुआ है उसमें जो नीचे वाली भुजा होगी उसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन कहते हैं आधार, आधार इंग्लिश में उसको कहेंगे बेस, और दूसरी भुजा एबी, एबी को अपन क्या कहेंगे लंब परपेंडिकुलर, और एसी क्या हो जाएगी, एसी को अपन कहते हैं कर्ण या फिर हाइपोटेन्यूज। अब बात करते हैं अपन त्रिकोणमिति के अनुपात की, अनुपात क्या होगा, अनुपात वो होगा जैसे अपने पास देखो कोई कोण दे रखा होगा, एक भुजा दे रखी होगी तो दूसरी भुजा ज्ञात करनी है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात का उपयोग करेंगे। इसमें देखो सबसे पहले शॉर्ट में अपन याद कैसे रखेंगे, तो याद करने का तरीका ये रहेगा लाल बटा कक्का, पढ़ने में इजी है लेकिन इसमें छह फॉर्मूला दिए हुए हैं, कैसे देखो एल ई एल बटे में ए ए ए, पहला फॉर्मूला क्या बनता है पहला फॉर्मूला है अपना लंब बटा कर्ण, दूसरा है आधार बटा कर्ण और तीसरा लंब बटा आधार। अब क्या करें, पहला वाला देखो स्टार्टिंग हमेशा त्रिकोणमिति की साइन थीटा से होती है, तो ये अपना हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा का सूत्र क्या हो गया, साइन थीटा का सूत्र हो गया लंब बटा कर्ण, और फिर आधार बटा कर्ण ये किसका है, ये है अपना cos थीटा का, साइन के बाद cos ये आ गया cos थीटा, उसके बाद लंब बटा आधार ये किसका, ये अपना tan थीटा का। अब देखो तीन तो अपने सीधे सीधे दिख रहे हैं, बाकी वाले जो तीन है वो कैसे बनेंगे, इनके उल्टे, तो यहाँ पे लंब बटा आधार तो ये क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, इसको बन क्या बनेंगे cot थीटा, कर्ण बटा आधार, cos का उल्टा क्या होता है, cos का उल्टा होता है sec, तो अपन यहां लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं sec थीटा, ये है लंब बटा कर्ण, इसका उल्टा कर्ण बटा लंब वो क्या हो जाएगा cos sec थीटा, ये आ गया अपना cos sec थीटा। समझ में आया कैसे कि l a l बटा k k a लाल बटा कक्का, इसको अपन क्या कहेंगे त्रिकोणमिति अनुपात के छह सूत्र। देखो लंब बटा कर्ण इसको अपन कह सकते हैं sin थीटा, आधार बटा कर्ण को कहेंगे cos थीटा, लंब बटा आधार को tan थीटा। अब इनके उल्टे कर देते हैं अपन, उल्टे कैसे, आधार बटा लंब वो कितना हो जाएगा cot थीटा, फिर कर्ण बटा आधार ये कितना होगा, ये होगा अपना sec थीटा, और कर्ण बटा लंब क्या हो जाएगा cosec थीटा। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं त्रिकोणमिति के फॉर्मूले कौन कौन से जो अपने आगे यूज होने वाले हैं, तो अपन पहले बेसिक पे पढ़ लेते हैं। कुछ फॉर्मूला है जैसे कि कौन किसका उल्टा है,
उसकी भी फॉर्मूला जब पहले देख लेते, उसके बाद क्या है कि ऊपर नीचे साइन इतना है ना आसानी रहेगी। तो पहले फॉर्मूला कौन सा, ये देखो साइन थीटा किसके बराबर, एक बटा कोसेक थीटा के, और कोसेक थीटा क्या हो जाएगा वापस साइन का उल्टा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर एक बटा साइन थीटा। ऐसे ऐसे बाकी वाले सारे लिख देते हैं, फर्क कहाँ आएगा, थोड़ा सा फर्क आएगा टेन थीटा और कॉट थीटा का, सेकंड बनेगा देखो कॉस थीटा बराबर एक बटा सेक थीटा, और सेक थीटा क्या बनेगा, सेक थीटा बराबर बनेगा एक बटा कॉस थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं टेन थीटा की, तो टेन थीटा में क्या आ जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा एक बटा कॉट थीटा, और क्या होगा इसमें एक और वो हो जाएगा देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये क्या बनेगा कॉट सॉरी टेन थीटा बनेगा। अब बात करते हैं कॉट की, तो कॉट पे इसको उल्टा लिख देते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या होगा एक बटा टेन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा साइन बटा कॉस का, कॉस बटा साइन थीटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। इन फॉर्मूलाज का अपन यूज करेंगे तो क्या बनेगी त्रिकोणमितीय सारणी बनेगी। अब अपन देखते हैं सारणी कैसे बनती है, अब अपन बात करते हैं त्रिकोणमितीय सारणी की, इसमें क्या होगा देखो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन सब के ऐसे मान जो अपने डायरेक्ट मिल जाते हैं उनको अपन क्या करेंगे टेबल बना के याद करेंगे, और टेबल बनाने की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। देखो 0 30 45 60 और 90 डिग्री इनके मान अपन कैसे निकालेंगे, अपन क्या करेंगे सबसे पहले अपन यहां पर निकालते हैं गिनती, गिनती में देखो आप गिनती स्टार्ट कहां से होती है 0 से, 0 फिर यहां क्या आ जाएगा 1 2 3 और 4 लास्ट कहां तक गई 4 तक, अपन क्या करेंगे सब में किसका भाग देंगे 4 का, तो यहां पे 0 बटा 4 हो गया 1 बटा 4 2 बटा 4 3 बटा 4 और 4 बटा 4। अब क्या करना है, अब इसका लेना है वर्गमूल, ये अपन ले लिया इसका वर्गमूल, अगर ये आपको याद रह गया तो आप साइन बना सकते हो, साइन से भी कॉस बन जाएगा, साइन कॉस दोनों से टैन बनेगा, और फिर वापस कॉट से वापस से क्या लेंगे इनके उल्टे लेंगे। देखो कैसे 0 बटा 4, 0 में अगर हम किसी का भाग देते हैं किसी संख्या का तो क्या आएगा 0 आएगा, तो अपन यहां पे क्या लिख देंगे 0 बटा 4 0, और 0 का वर्गमूल कितना हो जाएगा वो भी 0 ही रहेगा, तो साइन 0 का मान कितना आ गया 0। अब देखो 1 बटा 4 पॉइंट में आएगा तो अपन को निकालना नहीं है, सीधा लिख देते हैं 1 का अंडर रूट कितना 1 और 4 का 2। ठीक है 2 बटा 4 कट रहा है 2 के पार्ट से, 2 एक 2 और 2 दूनी 4। अब इसका वर्गमूल लेते हैं, 1 का वर्गमूल हो गया 1 और 2 का कितना हो जाएगा वो भी पॉइंट में आएगा, तो अपन को ऐसे नहीं लिखना सीधा लिख देते हैं रूट 2। अब आगे देखो 3 बटा 4 इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन को इस तरीके से लिखना है, 3 का वर्गमूल कितना ये आ गया अंडर रूट 3, और 4 का कितना हो जाएगा 4 का हो जाएगा अपने सॉरी 2। ठीक है अब देखो 4 बटा 4 ये कट गया 1 आया, 1 का वर्गमूल 1 का अंडर रूट हो जाएगा अपने 1। अब देखो साइन की सारी की सारी वैल्यू अपने पास पड़ी है 0 30 45 60 और 90 डिग्री। अब बात करते हैं कॉस थीटा की, जैसे कि आप जानते हो साइन और कॉस दोनों एक साथ रहते हैं, तो वैसे इसमें देखो मान अपन कैसे निकालेंगे, साइन जहां जहां रहेगा कॉस वही रहेगा, लेकिन मान क्या रहेंगे उल्टे हो जाएंगे थोड़े, जैसे ये देखो साइन
जीरो से स्टार्ट करके एक तक आया, कॉस क्या जाएगा एक से स्टार्ट होगा, मतलब तो एक को हम क्या करना है सबसे आगे लेना है, एक के बाद रूट तीन बटा दो, तो एक के बाद क्या आ जाएगा रूट तीन बटा दो, फिर एक बटा रूट दो, फिर एक बटा दो और लास्ट में जीरो। देखो कैसे याद रखना क्या लिखे, ये आ गया एक, एक के पीछे क्या है रूट तीन बटा दो, यह आ गया अपना रूट तीन बटा दो, उसके बाद एक बटा अंडर रूट दो, उसके बाद में एक बटा दो और लास्ट में कितना आ गया जीरो। एल साइन और कॉस दोनों तैयार हो गए। अब बात करते हैं टेन थीटा की, तो आपने एक फॉर्मूला देखा है यहाँ पे टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन बटा कॉस करेंगे तो क्या आएगा टेन आएगा। देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ ऐसे टेन थीटा, मैं खाली छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, ये आता है साइन बटे कॉस। जैसे कि अपने को अपन को क्या चाहिए जीरो डिग्री, टेन जीरो वो कैसे निकलेगा साइन जीरो बटा कॉस जीरो, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं टेन जीरो डिग्री बराबर साइन जीरो डिग्री बटा कॉस जीरो डिग्री, ये क्या बनेगा टेन जीरो बनेगा। अब देखो जीरो बटा एक, जीरो के अंदर किसी का भी भाग देते तो क्या आएगा जीरो आएगा, तो यहाँ पे टेन जीरो कितना हो जाएगा जीरो। अब 30 डिग्री का देखते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या किया tan 30 बराबर क्या हो जाएगा sin 30 डिग्री बटा cos 30 डिग्री। अब देखो sin 30 कितना है, sin 30 अपना 1 बटा 2 और cos 30 कितना है रूट 3 बटा 2, इन दोनों का भाग ले लेंगे हम, तो 1 बटा 2 बटे में रूट 3 बटा 2, इसको ऊपर कैसे लिखेंगे नीचे वाले बिंदु है वो ऊपर जाएगी तो उल्टी हो जाएगी, एक बटा दो इंटू दो बटा अंडर रूट तीन। अब देखो दो से दो कट गया क्योंकि एक दो अंश में है और दूसरा घर में है, तो यहाँ हम दो से दो काट देते हैं, पीछे क्या बचा एक बटा अंडर रूट तीन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 डिग्री एक बटा अंडर रूट तीन। देखो अगर आप ये कैलकुलेशन नहीं करते हो डायरेक्ट करना चाहते हो तो वो कैसे होगा, या देखो इस काली वाली लाइन को अपन क्या मानेंगे बट्टा मानेंगे बड़ा वाला भाग। देखो अंश को अंश से काटना है और हर को हर से, तो यहाँ पे देखो दो से दो कट गया तो हम क्या लिख सकते हैं ऊपर कितना एक नीचे कितना रूट तीन, क्या बन गया एक बटा अंडर रूट तीन। अब देखो 45 डिग्री में 45 डिग्री में क्या हो जाएगा एक बटा अंडर रूट दो बट्टे में एक बटा अंडर रूट दो, दोनों में दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा कट के क्या आएगा यहाँ पे एक आया। अब यहाँ पे देखो दो से दो कट गया ऊपर कितना अंडर रूट तीन नीचे बटे में एक, किसी भी संख्या के बटे में अगर एक आता है तो अपन को लिखने की जरूरत नहीं रहती, तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे अंडर रूट तीन। फिर देखो एक बटा जीरो, जब आपके जीरो बटा एक था तो आपने लिखा था जीरो, अब है एक बटा जीरो, इसका मतलब क्या समझा किसी संख्या के अंदर जीरो का भाग लग रहा है और किसी संख्या में यदि अगर जीरो का भाग लगे तो वो क्या होगा वो होगा अनंत, जिसको अपन कहते हैं अपरिभाषित अनंत, सोया हुआ आठ ऐसे बनाते हैं इसको, इसको अपन क्या कहेंगे अनंत। अब देखो यहां क्या आ जाएगा ये आ गया अनंत। अब साइन कॉस टेन ये अपने ज्ञात हो गए, cot sec और cosec ये क्या होंगे, देखो sin का उल्टा ये होता है cosec, cos का उल्टा होता है sec और tan का उल्टा होता है cot, अपन क्या करेंगे सारे सारे मान को उल्टा करके लिख देंगे। यहां देखो tan 0 0 का उल्टा, 0 का उल्टा क्या होगा देखो 0 का उल्टा होता है 1 बटा 0, इसको अपन क्या लिख रहे थे 1 बटा 0 को अपन लिख रहे हैं अनंत, तो यहां पे क्या आ जाएगा ये आ गया अनंत। उसके बाद एक बटा अंडर रूट तीन, इसको उल्टा करेंगे क्या बनेगा रूट तीन ऊपर जाएगा एक नीचे आ जाएगा, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट तीन, एक का उल्टा क्या होगा एक ही रहेगा डरने वाली बात ही नहीं है, अंडर रूट तीन का क्या हो जाएगा एक बटा अंडर रूट तीन, यहाँ आ गया एक बटा अंडर रूट तीन। फिर अनंत का उल्टा क्या होगा, देखो अनंत क्या होता है एक बटा जीरो और इसका उल्टा कैसे हो जाएगा
इसका उल्टा होगा एस ए बटा जीरो। तो ये बिन नीचे वाली जो बिन है उसको अगर ऊपर भेजेंगे तो क्या होगा, जीरो बटा ए बनेगा एस ए इंटू जीरो बटा ए। जीरो से अगर किसी को गुणा करते हैं या जीरो में किसी का भाग देते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है। अपन यहाँ क्या लिख देंगे, ये यहाँ पर लिख देंगे जीरो। फिर सेक थीटा की बात करें, कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक। अपन ने पढ़ा है यहाँ देखो सेकंड नंबर फॉर्मूला, कॉस बराबर एक बटा सेक थीटा। अपन क्या करेंगे, कॉस के जितने भी भाग होंगे उन सबको उल्टा करके लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो कॉस जीरो, एक का उल्टा कितना हो जाएगा, एक रूट तीन बटा दो का उल्टा ये हो गया दो बटा अंडर रूट तीन। फिर यहाँ पे रूट दो नेक्स्ट टू लास्ट जीरो, जीरो का उल्टा क्या, ये वाला नहीं ये वाला, एक बटा जीरो, जीरो का उल्टा अनंत। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अनंत। अब देखो औसत की बात करें, औसत में क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा करना है बोलो, जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा, अनंत। फिर एक बटा दो का हो जाएगा दो, फिर एक बटा अंडर रूट दो का अंडर रूट दो, दो बटा अंडर रूट तीन और लास्ट में एक। समझ गए, ये अपने त्रिकोण के सारणी है। इसको देखो वापस से करते हैं एक बार, अपन को साइन कैसे ज्ञात करना है, जीरो से लेके चार तक लिखना है। सबसे पहले कौन जीरो से स्टार्ट करो, तो जीरो एक दो तीन चार, लास्ट कहां तक गया, चार तक। तो अपन क्या करेंगे, सभी संख्याओं में चार का भाग देंगे, चार का भाग देंगे क्या आ जाएगा, देखो चार का भाग दिया उसके बाद में सबका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालेंगे क्या बनेगा, देखो जीरो बटा चार, जीरो में किसी का भाग देंगे क्या बन जाएगा, जीरो बनेगा। ये जीरो आ गया यहाँ, जीरो का वर्गमूल कितना जीरो। फिर एक बटा दो, ये दो बटा चार कट रहा है दो के बाहर से, तो अपन क्या लिखेंगे, दो एकम दो, दो दूनी चार। अब एक बटा दो का अंडर रूट निकालते हैं तो क्या रहेगा, एक और दो का हो जाएगा रूट दो। फिर तीन में देखो चार का भाग नहीं जा रहा है तो अपन डायरेक्ट अंडर रूट निकाल के लिख देते हैं, तीन का अंडर रूट कितना, अंडर रूट तीन और चार का हो जाएगा दो। चार बटा चार ये हो गया अपना एक। बहुत वापस देख सकते हो, उल्टा लिखना है ऐसे। देखो एक और चीज कॉमन दिखी होगी आपको इनमें, कि साइन अगर आपने ऐसे लिखा है जीरो एक बटा दो, एक बटा रूट दो, रूट तीन बटा दो, एक, कॉस क्या होगा, कॉस पीछे से लिखना स्टार्ट किया। अब आगे देखो टेन ना अपन ने वापस एक चीज एक लाइन बना दी टेन की पूरी, और क्या होगा इसको पीछे से लिखा हुआ है। सेक में एक वही चीज है, सेक अपन ने बना दिया कॉस का उल्टा, इसको उल्टा लिख दिया। समझ गए, आज के लिए बहुत है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।